अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम चलेंगे चेन्नई तो क्या कोल्लम शरीफ। इंशाल्लाह ज़बरदस्त निकल गए हैं, गाड़ी आने वाली है। दरगाह हज़रत तमीम अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह में, जो सहाबी रसूल की दरगाह है, मज़ार शरीफ, चल के आप लोगों को मज़ार शरीफ की ज़ियारत कराएंगे और ख़ुद भी करेंगे इंशाल्लाह ज़बरदस्त। तो निकल चुके हैं, बस गाड़ी आएगी चौमानी चौक पर। तो आप तो इरशाद भाई, इरशाद भाई सेंटर पर निकलो बाहर, सीधा बस स्टेशन पर नहीं तो पास का बना टिकट भी नहीं वहाँ से कहा सीधा कोल्लम तरफ जाना, पास बना है कोल्लम भी डायरेक्ट भी नहीं मिली ओके आगे के कई तरह का नहीं डायरेक्ट है डायरेक्ट। अबे डायरेक्ट में बैठा जी, आ गई है ये मेरी गाड़ी, बस इसे पर निकलना है, जाना है हम लोग को रेलवे स्टेशन। आप लोग अपनी सिटी से चेन्नई की ट्रेन पकड़ लीजिए, बस और क्या है, सिद्धम सिद्धा चेन्नई में पहुंच के उसके बाद कोल्लम शरीफ की जो है कोल्लम शरीफ की बस पकड़ लेना है इंशाल्लाह, बस ज़्यादा से ज़्यादा। कहाँ अंदर, या अल्लाह बिस्मिल्लाह इरफान बैठ गए हैं समझो कार पर, ध्यान से दो भाई। अब रेलवे मजेस्टिक रेलवे स्टेशन चलना है, बाईपास हो गया है, पहुंच गए हैं स्टेशन पर। तो अब इधर से हम लोगों को देखना है कि हम लोगों को किधर जाना है, तो भागते भाग रही है उसको जाने दिया जाए। दूसरा जो है हमारा ये है डिस्प्ले, एसी में देखना है कि गाड़ी कौन से प्लेटफार्म पर आएगी, तो उसी हिसाब से हम लोग निकलेंगे। और पहले तो हम लोग बढ़ेंगे इस तरफ जहां हमारी पूरी टीम रवानगी कर चुकी है। कोल्लम शरीफ चेन्नई में से उतर के अपने को बस स्टॉप पर जाना है, बस स्टॉप पर वहाँ पर जाएंगे, बस स्टॉप पर वहीं किसी से पूछेंगे तमिल आई तो बहुत एक नंबर, नहीं तो फिर बकवास है। तो आप लोग पूछ भी सकते हो, किसी को पूछोगे तो आराम से पता चल जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कहाँ पर से आप लोगों को बस पकड़नी है, तो आराम से आप लोग इससे चले जाओगे। तो मैं ये बताऊँगा आप लोगों को ज़रूर से, बस का अड्डा भी दिखाऊंगा। बस स्टॉप पर से अगर आप लोगों ने पकड़ ली बस, कोल्लम शरीफ की बस जाती रहती है मगर हर वक्त नहीं जाती है, उसका टाइमिंग एक रहता है, तो वो टाइमिंग पे आते जाती रहती है। तो आप लोगों को इंशाल्लाह वो टाइमिंग भी बता दूंगा। आप लोग बस पर अगर जो बैठेंगे तो डायरेक्ट उतरेंगे कोल्लम शरीफ दरगाह के पास, दरगाह हज़रत तमीम अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में इंशाल्लाह हम लोग पहुँच जाएँ, तो आप लोगों को भी जो है मज़ा आ जाए ज़्यारत करके। साहब रसूल की दरगाह है, आपका एक वाक़या भी बहुत प्यारा वाक़या है, थोड़ा सा मुझे मालूम है मगर मैं बताऊंगा नहीं आप लोगों को, कमेंट करिए तब बताऊंगा, 1000 कमेंट होएगा तभी तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा वाक़या है, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में बताया था मगर नाम नहीं लिया था। तो मैं अभी बस इतना काफ़ी है इंशाल्लाह अज़बदल, बाकी अगर कमेंट आ गया 1000 तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर से बताऊंगा। तो तकरीबन आधे घंटा से ऊपर हो गया है हम लोग का इंतज़ार करते करते, रेलवे स्टेशन पर मजेस्टिक रेलवे स्टेशन से ही हम लोग निकल रहे हैं, अभी तक ट्रेन आई नहीं, देखते हैं कब आती है, बस आने वाली ही है। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग चलेंगे कोच के पास, डिब्बा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो इंशाल्लाह जो है बस खूब अच्छी सी तैयारी कर ली गई है, और क्या ही कहने हैं, आप लोग भी इंशाल्लाह मज़ार पर एक बार हाज़िरी दें, काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को भी, टूर बनाए निकलें अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, फैमिली के साथ निकलें,
घूमने की भी बहुत सारी अच्छी से बहुत सारी जगह है, मगर हम सिर्फ ज़ियारत करने जा रहे हैं मज़ार शरीफ की और कराने भी, तो इसीलिए हम लोग कहीं घूमेंगे फिरेंगे नहीं। आ गई है गाड़ी, इसी में होना है हम लोग को सवार। अरे भाई इतना ज़्यादा आवाज़ करके मत जाओ, थोड़ा आराम से, हम लोग को भी जाना है, इतना ज़्यादा शोर नहीं करना चाहिए। अरे बहुत चलना पड़ेगा हम लोगों को, पता नहीं कितनी देर ही रुकेगी गाड़ी, नहीं रुकेगी, चलना है बहुत ज़्यादा। अभी तो इतना हुआ है, S7 तक हम लोग पहुँचे हैं, अभी 1-3 और जाना है और 7 और जाना है, बोले तो 2 सीट हम लोग की 14 में है और 5 सीट है हम लोग की 10 में, तो बैठते हैं उसके बाद बनाते हैं वीडियो। तो फाइनली जो है ट्रेन पर हम लोग बैठ गए हैं और अभी जो है सॉरी भैया, ट्रेन जो है छोटी नहीं है, लगता है कि छूट गई है ट्रेन। हाँ छूट गई है ट्रेन, तो ट्रेन को हम जो है टाटा बिरला कहेंगे। ट्रेन को क्या स्टेशन को कहना है, ट्रेन का तो कहना होता नहीं है, और इंशाल्लाह रास्ते का कुछ भी नहीं वीडियो बनेगा क्योंकि अभी सो जाएंगे, उड़ेंगे डायरेक्ट चेन्नई में इंशाल्लाह जबदल, चेन्नई में ही उठेंगे सुबह, अगर सो गए तो सोने के बाद डायरेक्ट चेन्नई में ही उठेंगे, तो फिर उसके बाद बस बाहर निकल के बस स्टॉप का आप लोगों को इंशाल्लाह बता देंगे कहाँ से कैसे पकड़नी है क्या करनी है। तो अब क्या कहें, बस हो गया है, बेंगलोर को टाटा बिरला कह दिया है, जाएंगे चेन्नई को, तो बस इस चेन्नई सेंटर में जो है हम लोग पहुँच गए हैं, अब इधर से निकलेंगे बाहर और वहीं पे देखते हैं कहाँ पे जाना है, मतलब बस स्टॉप पे, बस स्टॉप की लोकेशन भी आपको बताते रहूँगा किधर से बस पकड़नी है आप लोगों को कोल्लम शरीफ की। इंशाल्लाह चलते हैं बाहरी, इतना भीड़ का है कॉलेज का है का। तो रेलवे स्टेशन के बाहर निकल चुके हैं और अब हम लोग चलेंगे यहाँ से बस स्टॉप पे, यहाँ से दो ऑप्शन है, आपको अगर लुटवानी है तो ऑटो बस ऑटो कर सकते हो, नहीं तो पैदल भी आप जा सकते हो, आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। मैं पहले आ चुका हूँ इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे लुटते बहुत ज़्यादा हैं तो आप लोग सावधानी बरतें, ठीक है। आप लोगों को अगर मैं पैदल चलता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा रास्ता बता देता हूँ, ऐसे ही जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इधर से हम लोग निकलेंगे बस स्टॉप पे, बस स्टॉप किधर से बस कहाँ पे आएगी वो भी आप लोगों को बताऊंगा मैं। बहुत ही सावधानी बरतनी है आप लोगों को, पलक झपकते ही लूटे जाओगे, लुटेरी दुल्हन है समझ लीजिए आप, 1 किलोमीटर ही चले बस से और पैसे उसने बहुत ज़्यादा ले लिए, 66 रुपीज़, मत पूछिए भाई। आप लोगों को सावधानी थोड़ी भरकनी है, तो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलना है, रेलवे स्टेशन से बाहर निकलना है, बाहर निकल के आपको हाई कोर्ट बस स्टॉप पर आना है, ब्रेडवे हाई कोर्ट बोल के आप बस स्टॉप पर आ सकते हो, उधर से फिर कोल्लम शरीफ का किधर से पूछ के आप लोग 109 बस नंबर बता रहे हैं, 109 बस नंबर रहेगी, आप लोग कोल्लम शरीफ
बैठ जाइए, डायरेक्ट कोल्लम शरीफ दरगाह पे पहुंच जाएंगे। तो इंशाल्लाह बस स्टॉप ही आप दिखाता हूँ आप लोगों को, और कहाँ पे रुकेंगे मुझे मालूम है, वो भी दिखाता हूँ आपको। देखिए पूरा बस स्टॉप काफ़ी बड़ा है बस स्टॉप। तो ये जो है जो लाइन से बस लगी हुई है, ऐसे ही आपको स्टेप दिखाता हूँ, लास्ट में बस लगती है रुकती है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि मैं बता दूंगा कि बस स्टॉप किधर से, बस स्टॉप पर किधर से बस पकड़नी है, किसी से पूछेंगे आपको आराम से बता देंगे, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। दो प्लेटफार्म है इसके हैं और एक ये हैं, दो प्लेटफार्म है। बस नंबर 109 में आराम से आप लोग आ जाइए बस स्टॉप के पास, 109 में बैठ जाइए, ज़्यादा टेंशन नहीं, आपको कोल्लम शरीफ में डायरेक्ट पहुंचा दिया जाएगा। देखिए 109 दो प्लेटफॉर्म है 109 के। तो इंशाल्लाह बस पर का क्या वीडियो बनाना है, क्या करना है, तो अब डायरेक्ट हम लोग जाएंगे कोल्लम शरीफ में, इधर से दरगाह पर डायरेक्ट वहीं पर रुकेगी। आपको सावधानी भरकनी है, याद रखिए तमिलनाडु लुटेरी दुल्हन है, समझ लीजिए, मैं आप लोगों को एक बार फिर बता दे रहा हूँ। और कंडीशन भी आपको बस का दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छा है, देखिए। काफ़ी अच्छा जो है माहौल है, मगर गर्मी का माहौल है, अभी तो सुबह का टाइम है, गर्मी अभी तो बहुत ज़्यादा लगनी है, अल्लाह मालिक है। इंशाल्लाह मिलेंगे दरगाह पे, पहुंच गए हैं कोल्लम शरीफ दरगाह पे, बस सामने ही हमें दिख रही है दरगाह शरीफ, आप लोग को भी दिखा दें, देखिए अंदर चलेंगे। देखिए पहुंच गए हम लोग सहाबी रसूल हज़रत सैयदना तमीम अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में। हो गई है हम लोग की एंट्री, काफ़ी यहाँ पे दुकानें भी हैं, काफ़ी सारी बंद भी हैं। एंट्री कर रहे हैं दरगाह शरीफ में, पहुंच गए हैं कोल्लम शरीफ दरगाह पे, बस सामने ही हमें दिख रही है दरगाह शरीफ, आप लोग को भी दिखा दें, देखिए
10 रुपये फाते नहीं पड़ा अभी फाते बोले दरगाह हजरत तमीम अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हम लोग ज़ियारत करें। जैसे कि मैंने मदीना शरीफ की आप लोगों को ज़ियारत कराई, वीडियो करना मना था तो इसलिए थोड़ी सी जो है मैंने रिक्वेस्ट करके एक 10 सेकंड की वीडियो मैंने कही कि जो है मैं पकड़ लेता हूं, तो इसलिए वो मान गए। थोड़ी सी वीडियो करी है मैंने, वीडियो करना मना था तो, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और मेरा दोस्त भी बोल रहा था कि काफ़ी अच्छी फीलिंग आई, बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी एक बार आइए ज़रूर से इंशाल्लाह। और यहाँ पे बहुत बड़ी जगह है, काफ़ी अच्छी जगह है और आप तो जानते ही हैं इनके बारे में। हज़रत तमीम अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहबी रसूल, आपकी जो है मज़ार शरीफ यहाँ पे कैसे बनी आप लोगों को थोड़ा सा बताते हैं। आपका जनाजा मुबारक ताबूत में, जिसमें मुबारक ताबूत में रख करके आपकी वसीयत थी कि छोड़ दिया जाए समुंदर में, तो हज़ारों साल तक समुंदर में ही था, तो कहीं भी किनारे पर लगती लोग हाथ बढ़ाते वो ऑटोमेटिक पीछे मज़ार शरीफ मतलब ताबूत पीछे चला जाता। तो आपकी वसीयत यह थी कि जहाँ भी मेरी मज़ार बननी होगी, जहाँ मेरी कब्र बननी होगी वहाँ पर किनारे पर अपने आप लग जाएगी, तो ऐसे ही हज़ारों साल तक चलता रहा, समुंदर में ही आपके जो है ताबूत रहा। आखिरकार यहाँ पे चेन्नई में कोल्लम शरीफ में ही आके लग गई, तो यहाँ पे आपकी मज़ार शरीफ बनाई गई। और करामात तो आप लोगों को मैंने जैसे कि बताया था स्टेशन पर शुरू में कि 1000 कमेंट होगा तभी मैं एक छोटा सा वाक्या है, मतलब वाक्या बड़ा है मगर मैं बताऊंगा छोटे तरीके से आसानी से, मगर ऐसे वाक्या नहीं बताऊंगा, पूरा 1000 कमेंट होने के बाद ही मैं बनाऊंगा मतलब वीडियो बनाऊंगा। और आपकी थोड़ी सी करामत जो आपका वाक्या जो गुजरा है वो आप लोगों को थोड़ा बताऊंगा। आपका जो है कोल्लम शरीफ में आना कैसे हुआ और क्या वाक़या था, तो आप 1000 कमेंट करिए तभी बताऊंगा इंशाल्लाह अज़बदल। और क्या कहने आप लोगों को, थोड़ी जगह काफ़ी जगह बड़ी जगह है वहाँ पे भी है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, देखिए काफ़ी बड़ी जगह है, वहाँ पीछे साइड पे भी है, यहाँ पे आपको पूरी सुविधा आराम से मिल जाएगी, वहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, बाहर होटल वगैरह दुकान सब है। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको खैर आफ़ियत से रखिए। आप लोग मेरे वास्ते दुआ कीजिए, हम आप सबके वास्ते दुआ करेंगे इंशाल्लाह अज़बदल। और थोड़ा सा आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा सा मेरा चैनल को
बढ़ा दिया जाए। लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर से करें, सब्सक्राइब लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और क्या कहने हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। नसीमा बेगम के वास्ते भी दुआ की दरख्वास्त है, तो अल्लाह ताला उनको हर परेशानी हर तकलीफ़ से बचाए, अल्लाह ताला से दुआ है। और क्या कहना है, थोड़ा इधर जैसा कि मैंने शुरू में जो दिखाया था आपको, एक बार थोड़ा सा और दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ये आप लोग ज़रूर से पढ़िए। बहुत बड़ी जगह है, आप लोग जो है आइए, मज़ार शरीफ देखिए, बरकतें हासिल कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और क्या ही कहने हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। देखिए यहाँ पे दुकान वगैरह बाज़ार पूरा लगा हुआ है, हमारा काम तो यहाँ पे हो गया, अब हम चलेंगे कहीं और। और एक साहब बता रहे थे मॉन्ट रोड दरगाह, तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी जाएंगे और दूसरी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, और फिर देखेंगे कब इसको देखना है, डालना है, रिलीज़ करना है। फिल वक्त लिए अब यहाँ पे बस, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, खुदा हाफिज़। चेन्नई की मशहूर दरगाह हज़रत तमीम अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, देखिए यहाँ पे लाइन लग के जाते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। टाइमिंग पे सुबह के टाइम हम लोग आए थे जब भीड़ नहीं थी, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी है, काफ़ी भीड़ हो गई है।